मुजफ्फरपुर में गुरुवार को सिटी एसपी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर एटीएम फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि पानापुर ओपी प्रभारी के द्वारा एटीएम फ्रॉड गिरोह का खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि मीनापुर थाना अंतर्गत पानापुर ओपी क्षेत्र से 5 शातिर अपराधियों को पुलिस ने एटीएम लाखों रुपए, हथियार सहित अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया। वहीं सिटी एसपी ने कहा कि 2 अपराधी पहले से ही मुकदमा दर्ज है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें विशाल कुमार और दीपक कुमार का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है। इन लोगों के पास से 7 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल, 3 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 20 पुड़िया स्मैक का बरामद हुआ है और साथ में 3,40,000 रुपये भी रिकवर हुए हैं। उन्होंने बताया कि फर्जी एटीएम कार्ड, एटीएम क्लोन मशीन, लाखों रुपये सहित हथियार भी बरामद किया गया है। पानापुर ओपी अरविंद पासवान द्वारा एक एटीएम फ्रॉड करने वाले गैंग का उद्भेदन किया गया है। 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से फर्जी एटीएम टाइप के कार्ड, कुछ एटीएम कार्ड और एटीएम क्लोन करने वाली मशीन भी बरामद किया गया है। इन लोगों का मॉडस ये रहा है, ये भोले भाले लोगों को एटीएम में जाकर के उनका एटीएम कार्ड किसी तरह से अपने हाथ में ले लेते हैं और उसको स्वैप मशीन के सहारे उसका पूरा डाटा लेकर के और सेम उससे मिलता जुलता एटीएम वो लोग क्लोनिंग करके बना लेते हैं और उसके पश्चात उनके खाते से एटीएम के सहारे सारे पैसे को निकाल लेते हैं। मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला की रिपोर्ट।